शहर हैदराबाद के इलाके मेहदीपट्टनम गुड्डी मलकापुर LIC ऑफिस के पास आवाज़ तंजीम की जानिब से जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अली की निगरानी में गरीब व मुस्तहक अवाम ने रमज़ान के मौके पर ईद के पेश नज़र राशन किट से तकसीम किए गए। इस दौरान मोहम्मद अली ने हाईटेक न्यूज़ से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात भी बताई। मेरा नाम मोहम्मद अली, आज आवाज़ तंजीम की जानिब से मुस्तहक लोगों में हर साल की तरह हम बोलते हुए भाई 28, 20, 27, 29 के दिन चार दिन बोलते हुए अलग अलग एरिया में आवाज़ की जानिब से मुस्तहक लोगों में जिसे बिला मजहब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सबको बोलते हुए आवाज़ की जानिब से ये बोलते हुए राशन किट देते हैं और जब तक हमारी सांस बाकी रहे हम बोलते हुए भाई हमारा ये मकसद है आवाज़ की तरफ से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सबको बराबर बोलते थे भाई इस आवाज़ का किट देते हैं गरीब मुस्तहक लोगों में ताकि वो लोग भी रमज़ान की ईद मना सके। और ये हम बोलते थे भाई हम जैसे लोग अगर सब लोग मिलके अगर ऐसे ही फंड्स निकाले तो इस दुनिया के अंदर इस हिंदुस्तान के अंदर बोलते थे भाई गुर्बत नहीं रहती। हम सारे लोगों से हम आवाज़ की तरफ से डिमांड कर रहे हैं कि लोग अपनी ज़कात ज़्यादा से ज़्यादा निकालें ताकि गरीब लोगों का फ़ायदा हुए, गरीब लोगों के बच्चे बच्चे स्कूल्स में पढ़े और उन लोगों के घर तक घर घर तक राशन पहुँचना। बल्कि हम लोगों से ये वो लोगों का ये मुतालबा कर रहे हैं कि लोगों से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपनी ज़कात का ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स निकाल के गरीब लोगों में मुस्तहक लोगों में पढ़ने वालों को और जो जो एजुकेशन में बच्चे हैं उन लोगों को भी देने की ज़रूरत है। आवाज़ से हमेशा मेडिकल कैंप्स आई कैंप्स और गरीब लोगों में जब कभी गवर्नमेंट के इश्यूज़ को भी होता है तो हमेशा से आवाज़ आगे बढ़ के काम कर रहा है और आवाज़ हमेशा लोगों के साथ काम करते रहेगा। जय हिंद, खुदा हाफिज़।